हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम वर्चुअल मनी पर ऑप्शन ट्रेडिंग करना कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब अपनी रियल मनी से किसी भी स्ट्रेटजी पर ट्रेडिंग लेते हैं और हमारा वहां पर लॉस होता है, एक बार या दो बार लॉस होता है, तो हमारा उस स्ट्रेटजी से जो भरोसा होता है वो कम होने लगता है और हम किसी दूसरी स्ट्रेटजी पर फिर से ट्रेडिंग लेने लगते हैं। इस तरीके से हम बार बार अलग अलग स्ट्रेटजी पर ट्रेडिंग लेते हैं और हम कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाते। इससे बेहतर है कि हम पहले किसी एक स्ट्रेटजी पर वर्चुअल मनी पर ट्रेडिंग करके चेक करें कि उस स्ट्रेटजी से हम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं या प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। हम वर्चुअल मनी पर एक स्ट्रेटजी पर मल्टीपल टाइम ट्रेड लेंगे और चेक करेंगे कि वहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो रहा है या हमारा लॉस हो रहा है। जैसे ही हम प्रॉफिट में आने लगेंगे तो उसके बाद हम अपनी रियल मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, और अगर उस स्ट्रेटजी पर हम प्रॉफिट में नहीं आ रहे हैं तो फिर हम किसी दूसरी स्ट्रेटजी पर वर्चुअल मनी से पहले ट्रेडिंग करेंगे, एक महीने या एक हफ्ते तक रेगुलर्स पर ट्रेडिंग करेंगे, और अगर उस पर हम प्रॉफिट में आते हैं उसके बाद हम अपनी रियल मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं उसी स्ट्रेटजी पर। तो चलिए देख लेते हैं कि हम किस तरीके से वर्चुअल मनी पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वर्चुअल मनी पर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक वेबसाइट का यूज करेंगे जिसका नाम है न्यू स्टॉक्स। हम इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। इस पर अकाउंट क्रिएट करना बिल्कुल फ्री है, आप डायरेक्ट गूगल पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप अपना यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पैनल दिखाई देगा। आप यहाँ से देख सकते हैं हम न्यू स्टॉक्स के ट्रेडिंग पैनल पर हैं। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने ट्रेड पैनल पे आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा एनालाइजर का। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा एनालाइजर का, इस पे आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा आपको ऑप्शन चेन का, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे सेलेक्ट इंडेक्स इक्विटी, यानी कि अगर आपके लिए निफ्टी 50 में ऑप्शन, यानी कि अगर आपके लिए निफ्टी 50 के ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या बैंक निफ्टी में करनी है या आपके लिए पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम निफ्टी 50 को ही रहने देते हैं या बैंक निफ्टी को ले लेते हैं, बैंक निफ्टी। यहाँ से हम डेट लगाएंगे किस डेट के हमारे लिए यहाँ पर ऑप्शन चेंज चाहिए, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 6 तारीख की, और यहाँ पर ले लेते हैं कि आपके लिए ऑल ऑप्शन चाहिए या नियरेस्ट 5 ऑप्शन चाहिए या नियरेस्ट 10 ऑप्शन, तो हम नियरेस्ट 10 ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर निफ्टी 50 को सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमने डेट डाल दी कि किस डेट के हमारे लिए यहाँ पर ऑप्शन चेंज चाहिए, यहाँ पर हमने डाल दिया नियरेस्ट 10 ऑप्शन। अगर आपके लिए और भी चाहिए तो आप यहाँ से चेक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जितने भी कॉल्स हैं यहाँ पर आपके लिए सारी कॉल्स की पोजीशन मिल जाएंगी, यहाँ पर आपके लिए सारी पुट की पोजीशन मिल जाएंगी। हम नीचे आते हैं, आप यहाँ पर देखोगे नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके लिए उसकी वॉल्यूम दिखाई देगा, यहाँ पर उसका प्राइस दिखाई देगा, यहाँ पर आप उसके लिए बीगा डेल्टा बीटा यहाँ पर कितना परसेंट चेंज हुआ है, इसकी करंट LTP दिखाई देगी, आपके लिए स्ट्राइक प्राइस दिखाई देगी। अब आपके लिए जिस भी कॉल्स को बाय करना है या आपके लिए पुट्स को बाय करना है या कॉल को शॉर्ट करना है या पुट को शॉर्ट करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर इनको अपनी पुट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसको अपनी पुट लिस्ट में हमने ऐड किया निफ्टी 2 जून 2022 15,650 का CE, और इसी तरह से हम किसी एक पुट्स को अपनी पुट लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। हमने इस पुट्स को यहाँ पर अपनी पुट लिस्ट में ऐड किया और हमने इसको कर लिया। तो अब जो भी आपके लिए कॉल या पुट अपनी पोजीशन में ऐड कर सकते हो, आप यहाँ से डायरेक्ट उसको बाय या सेल भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको बाय का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको सेल का ऑप्शन दिखेगा। अभी हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन में ऐड कर रखा ताकि हम जिसमें भी हमारे लिए बाय करना होगा या सेल करना होगा वो हम यहाँ से करेंगे। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कौन से ऑप्शन आपके लिए अपनी पोजीशन में ऐड करने हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा 2 जून 2022 के 15,650 का CE, और हमने अलग अलग कॉल्स और पुट्स को यहाँ पर अपनी पुट लिस्ट में ऐड कर लिया। अब हमको कैसे बाय या सेल कर सकते हैं, तो हम जैसे इसको ही बाय करते हैं, आप यहाँ पर देखोगे निफ्टी 2 जून 2022 15,650 के CE को हम बाय करते हैं, बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपके लिए मार्केट प्राइस पर बाय करना है इसको या लिमिट प्राइस पर बाय करना है इसका, आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस भी चल रहा है, 560 रुपये इसका प्राइस चल रहा है, इसका 81 रुपये चल रहा है, इसका 425 रुपये चल रहा है। तो जिस भी प्राइस पर आपके लिए लिमिट प्राइस डाल सकते हो, किस प्राइस पर आपके लिए बाय करना है, लिमिट ऑटो डाल सकते हो, स्टॉप लिमिट डाल सकते हो, ये बाद में सीखेंगे इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। आप इसमें डायरेक्ट टारगेट भी डाल सकते हो और स्टॉप लॉस भी डाल सकते हो। जैसे आप किसी भी ऑप्शन को बाय करोगे उसके साथ ही आप यहाँ पर टारगेट डाल सकते हो और स्टॉप लॉस ही, यानी या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका टारगेट वहाँ पर हिट होगा, तो आप यहाँ से इसको भी डाल सकते हो। और कितने रुपए के आपके लिए यहाँ पर बाय करनी है, कितना मार्जिन देना पड़ेगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जैसे बढ़ाते जाएंगे क्वांटिटी, आप देखोगे यहाँ पर हमारे रुपए भी बढ़ते जाएंगे।
फिर निफ्टी का है आप यहाँ से। तो अब हम इसको मार्केट प्राइस पर ही ऐसे हम बाय मार्केट 25 कैरेक्टर्स हम इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो कि हमने यहाँ पर बाय किया, बाय करते ही हमारा यहाँ पर लॉस चलने लगा PNL 15 रुपये, 18 रुपये या ऊपर नीचे जैसा भी होगा उसको हमारा यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस चलता रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप न्यू स्टॉक्स पर वर्चुअल मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, और जो भी आप ट्रेडिंग करोगे वो आपके लिए यहाँ पर पोजीशन दिखाई देंगी, और अगर आपके लिए पोजीशन क्लोज करनी है तो आप एग्जिट ऑल पे क्लिक करोगे, आपकी सारी पोजीशन यहाँ से बाहर हो जाएंगी। तो यही ऑप्शन था कि आप न्यू स्टॉक्स पर आके वर्चुअल मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें एक आपके लिए ऑप्शन और है, ऑप्शन एनालाइजर का, इसको हम किसी अगली वीडियो में कवर करेंगे कि ऑप्शन एनालाइजर क्या होता है, हम किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम एग्जिट करके दिखाते हैं, अगर हमारे इस पोजीशन से एग्जिट होना है तो हम एग्जिट ऑल पे क्लिक करेंगे और एस पे क्लिक कर देंगे, तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा यहाँ पर लॉस दिखेगा, टोटल PNL या हमारा लॉस हुआ या हमारा प्रॉफिट हुआ वो आपके लिए यहाँ पर दिखाई देगा, और हमारी सारी पोजीशन यहाँ से क्लोज हो चुकी हैं। यहाँ पर आपका अमाउंट दिखेगा, यहाँ पर आपके लिए 10 लाख रुपये तक का, और 10 लाख रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक, 1 करोड़ रुपये तक के लिए आपकी वर्चुअल मनी मिलती है। आप टॉपअप पे क्लिक करके देख सकते हो, 100 रुपये से लेके 1 करोड़ तक का यहाँ पर आपके लिए वर्चुअल अमाउंट मिलता है, उस अमाउंट से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर उस अमाउंट को आप एक महीने या किसी भी स्ट्रेटजी पर ग्रो करते हो तो उसके बाद आप रियल मनी से ट्रेडिंग कर सकते हो, और अगर आप यहाँ पर ही लॉस में होते हो तो फिर आप रियल मनी से कैसे प्रॉफिट में हो सकते हो। इसलिए पहले आप न्यू स्टॉक्स पे आके वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग करिए, और अगर आप प्रॉफिट में रहते हो उसके बाद अपनी रियल मनी से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।